Hey guys, it's me Reflect back again with another video. और गाइस ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। कल मैंने एक्सरसाइज करते हुए इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो डाली थी और मेरे पास कुछ डंबल्स हैं जिन्हें मैं बहुत देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट्स बीन अराउंड 1.5 ईयर। तो मैं आपको मेरे डंबल्स बता देता हूँ। सो दिस वन डंबल इज अराउंड 20 kg, काफी ज्यादा हैवी है। आप देख सकते हो इधर थोड़ा सा गोल्ड एक्सेंट है, क्योंकि एक बार मैंने सोचा था कि इन डंबल्स को मैं गोल्ड पेंट कर दूं। और ऑरेंज भी आप देख सकते हो, तो ऑरेंज ये जो पेंट है ये मैंने यूज किया था ऑयल पेंट पर। ऑयल पेंट जो कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा चिप होता है अगर ठीक से सूखा नहीं तो। आई विल जस्ट कीप द डंबल असाइड, इट इज टू हैवी, सो आई विल जस्ट शो यू एवरीथिंग दैट आई बॉट टुडे। तो स्प्रे पेंट लिया, मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने येलो स्प्रे पेंट लिया। शायद फ्यूचर DIYs में हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। तो स्प्रे पेंट मुझे काफी ज्यादा पसंद है, स्प्रे करना, द होल प्रोसेस एंड हाउ थिंग्स के कलर चेंज हो जाते हैं, आई रियली लव इट। और दिस इज द पेंट जिससे ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो मुझे पता नहीं, कभी मैंने गोल्ड फिनिश ट्राई नहीं की, वो भी मैंने जो गोल्ड पेंट मेरे डंबल पे इस्तेमाल किया था वो ऐसे फिनिश वाला नहीं था, वो थोड़ा मैट फिनिश वाला था, और पता नहीं इससे कैसी फिनिश आएगी। तो आप देख सकते हो ये स्प्रे पेंट भी जो है बॉस्नी कंपनी का है। आई एम अज्यूमिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पेंट वी कैन टर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग इनटू गोल्ड। सो आई एम इसे फाड़ देता हूँ। ओह, ढक्कन भी निकला। सो आई गॉट द स्प्रे पेंट गाइस फॉर अराउंड 280 rupees। अभी मुझे पता नहीं कि ऐसी फिनिश आएगी या नहीं, और फिनिश भी कैसे आएगी पता नहीं, कभी मैंने गोल्ड स्प्रे पेंट इस्तेमाल नहीं किया। बट मैं हमेशा की तरह ऑप्टिमिस्टिक हूँ और कुछ ना कुछ बेहतरीन ही हमारे सामने आएगा। तो गाइस मुझे फिट रहने के लिए वेट्स उठाने पड़ते हैं, अगर मैं वेट्स नहीं उठाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी मोटा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, फाटाफाटी जाता हूँ, सैटरडे संडेज बाहर खाते रहता हूँ, कॉलेजेस जाता हूँ, जंक फूड खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ। एंड आप देख सकते हो मैं बीच में बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, अराउंड 80 kg का हो गया था, अभी आई एम अराउंड 68-70 kg। तो इतना ज़्यादा मोटा पा गया था मुझे, एंड वेट ट्रेनिंग करने की वजह से वो सारी चर्बी मेल्ट हो गई, थोड़ा सा मसल पुट ऑन कर लिया मैंने, एंड इसलिए आई वॉज थिंकिंग टू गिव समथिंग बैक टू शो सम लव टू माई वेट्स, एंड इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्प्रे पेंट देम। लेट्स सी हाउ द होल प्रोसेस गोज। सो गाइज बातें तो बहुत कर ली, लेट्स गो एंड टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। तो गाइज ये है मेरे प्यारे डंबल्स, और मैं आपको बता दूँ इसकी एक प्लेट इज अराउंड 4.5 kg एंड दिस इज अराउंड 5 kg। सो ओवरऑल मैंने डंबल को वे किया था, ओवरऑल डंबल 20 किलो का है। इस पे इतना ज्यादा रफ्ट नहीं है, अगर रफ्ट होता इस पे तो प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता, आपको घिसना पड़ता पहले सैंड पेपर से, फिर उस पे एक रफ्ट प्रिवेंट करने के लिए स्प्रे आता है जो अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो अप्लाई करने का, और फिर उसके ऊपर आपको गोल्ड पेंट करना पड़ता था। तो इतना बड़ा प्रोसीजर था, और पता नहीं हाउ द रिजल्ट विल बी, मतलब मार्केट तो देखो ना कैसे करते हैं, मतलब एकदम चमचमाती हुई गोल्ड फिनिश जैसे, पर मुझे नहीं लगता इतनी बेहतरीन ब्यूटीफुल फिनिश इसके ऊपर आएगी। अगर आ गई तो हमारे मजे हैं, मुझे वर्कआउट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो गाइज इसको स्प्रे पेंट करने के भी दो तरीके हैं, मतलब मैं ऐसे पूरे इस डंबल को स्प्रे पेंट कर सकता हूँ ऐसे ही, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ऐसे खोल के कभी कभार ही एक्सरसाइजेस करता हूँ, तो इसलिए मतलब वेट लाइट वेट ज्यादा उठाना मैं पसंद नहीं करता पर्सनली। अगर मैं ऐसे एक एक प्लेट निकाल के स्प्रे पेंट करूंगा तो ये पूरा नीचे जो कार्डबोर्ड बिछा है वो सब भर जाएगा, और मुझे नहीं लगता इसके अंदर इतना ज्यादा स्प्रे पेंट है कि इतना बड़ा सरफेस एरिया कवर कर पाए। कॉस्ट कटिंग के लिए ये जो पूरा बना हुआ डंबल है इसको ही स्प्रे पेंट करूंगा, इसलिए मैं अभी भी इसको बना देता हूँ और फिर हम लोग करेंगे स्प्रे पेंट। और मैं सोच रहा हूँ स्प्रे पेंट नीचे जाके बिल्डिंग में करूँ, क्योंकि अगर मैंने रूम में इतना ज्यादा स्प्रे पेंट कर दिया मुझे लगता है शायद पूरा कैन इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के वेट्स काफी ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा सफोकेशन होगी, और पूरा दिन रूम में स्प्रे पेंट का बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आता रहेगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे फिर जाके पेंटिंग्स भी करनी है, मुझे आर्ट ऑर्डर्स है उनको फिनिश करना है, तो इसलिए हम लोग जाएंगे नीचे अभी बिल्डिंग में। तो मैं एक कपड़े से पूरे मेरे डंबल्स अच्छे से साफ कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ी डस्ट थी, और अगर डस्ट रहेगी तो स्प्रे इसके ऊपर अच्छे से पकड़ेगा नहीं। बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि डीप लाइफ के थर्माकोल के डंबल है, 20 किलो के डंबल नहीं है। तो गाइस थर्माकोल का नहीं है, ये व्हाइट पार्ट आप देख रहे हो ये भी पुराना स्प्रे पेंट है, तो ये सब मेटल के ही है। तो गाइज मैं व्लॉग करते करते अपने बिल्डिंग के बैकयार्ड में आ गया, और मैंने मेरा मास्क भी लाया। अगर आपको थोड़ा आवाज़ आ रहा रहेगा बैकग्राउंड का तो आई कांट हेल्प इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है अगर आप इंडिया में रहते हो तो। मैंने अपना लेजेंडरी पेंट बोर्ड भी नीचे ला लिया, अभी इधर मैं इसको नीचे बिछा देता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे कब से ये तमन्ना थी, कब से मुझे मेरे वेट्स को गोल्ड में टर्न करना था। आप देख सकते हो वेट्स पे थोड़े मार्क्स भी है, तो थोड़ी जगह पे मैंने एक पुराना गोल्ड स्प्रे पेंट यूज़ किया था पर वो ख़त्म होने को आया था तभी यूज़ किया था। तो स्पेसिफिकली अपने वेट्स के लिए कभी कोई गोल्ड पेंट मैंने नहीं खरीदा,
तो अभी मैं खरीद के वो करने जाने वाला हूँ, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ महसूस करनी चाहिए, तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। तो वैसे आपको मेरे क्रॉक्स कैसे लगे? अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको देखना है मैंने इन्हें कैसे बनाया तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा। ओके गाइज, अभी हम लोग करने जाने वाले हैं स्प्रे पेंट फाइनली, एंड एक मास्क पहन लेता हूँ मैं। तो मास्क पहनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फ्यूम से, स्प्रे पेंट की फ्यूम से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो आप देख सकते हो पुराना भी पिछला गोल्ड पेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आर डंबल्स आर ऑरेंज राइट नाउ, बिट ऑफ ब्लैक, दे आर गोइंग टू बी गोल्ड नाउ। सो गाइज, वैसे अब तक मैंने सिर्फ फर्स्ट कोट अप्लाई किया, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब आई हैव नेवर सीन माई डंबल्स सो नाइस। सो गाइज, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस स्प्रे पेंट, ब्यूटीफुल। तो गाइज, अभी मैं पेंट सूखने का वेट कर रहा हूँ, और अगर आप ऐसे खुले में पेंट करोगे तो हवा के वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा पेंट वेस्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा पेंट। थोड़ी ऐसी जगह पे पेंट कीजिए जिधर इतनी ज़्यादा हवा नहीं है। तो गाइज, वेट्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं, मैंने वेट्स को हाथ लगा के चेक किया तो अब तक पेंट सूखा नहीं है, तो मैंने इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ ऊपर घर पे, क्योंकि मुझे थोड़े काम है। तो गाइज, मैं ऊपर आ गया, और भले ही वो अभी सोने के दिख रहे हैं पर कोई उन्हें चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे भी मेरे बिल्डिंग में वॉचमैन बहुत है, और किसी ने उठा के ले जाने की कोशिश की तो भी कर नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, और कोई इतना मगजमारी क्यों करते बैठेगा। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आपने देखा कि फिनिश कैसे आई है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो इंस्टाग्राम पे शायद मैं स्टोरीज में एक अपडेट भी डाल दूंगा कि आफ्टर यूजिंग देम फॉर अ वीक और टू वो कैसे है, हाउ इज़ द पेंट। पेंट तो बिल्कुल चिप ऑफ नहीं होगा, पर उसका शायद जो अभी चमक है ना वो थोड़ी कम हो जाए, पर देखेंगे। सो गाइज, आफ्टर 30 मिनट्स आई एम बैक चेक करने को कि स्प्रे पेंट सूखा है या नहीं। तो यस, स्प्रे पेंट काफ़ी हद तक सूख गया है। फिर नीचे के साइड हम लोग अभी पेंट करेंगे, जो साइड अब तक कवर्ड है ही नहीं। सो मैंने सोचा मेरी फोन केस को भी मैं गोल्डन कर देता हूँ। सोच रहा था इसको भी कर दूं अभी। तो आप देख सकते हो पूरा नहा धो के तैयार हो गया हूं मैं, एंड दैट इज बिकॉज आई एम गोइंग आउट ऑन अ डेट राइट नाउ। नहीं, मजाक कर रहा था, वैसे डीप लाइफ एकदम सख्त लौंडा है, जल्दी पिघलता नहीं है। तो हाँ, दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा हूँ अभी, और नीचे वेट्स हम लोग के सूख रहे हैं, तो शायद मैं आके वेट्स को चेक करूंगा। काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मैं अपनी फोन केस सुखाते बैठा था इसलिए, और आपको फोन केस दिखानी थी, कुछ इस तरह दिख रही है, इट इज लुकिंग लाइक अ गोल्ड ब्रिक। तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे मेरे थोड़े फिंगरप्रिंट्स आ गए, इधर मेरा एक फिंगरप्रिंट आ गया और इधर। तो ऐसे सारे मेसअप्स मैं पहले करता हूँ ताकि आप भी मेरी सेम मिस्टेक रिपीट ना करो, एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंपेशेंट, आप मेरे जितना इंपेशेंट मत होना, अच्छे से सूखने देना। और इस पे ऑल्सो थोड़ा टेक्स्चर है क्योंकि इस पे मैंने पहले पेंट अप्लाई किया था, इसलिए वो थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला टेक्स्चर है जैसे एक रियल गोल्ड ब्रिक पे होता है। फ्रेंड से मिलने को लेट हो ही गया अभी मुझे, तो मैं सोचा नीचे आके देख लूँ वेट्स कैसे दिख रहे हैं। अभी मैं इनको ऊपर लेके जाता हूँ और बाद में आपको थोड़े क्लोजअप्स बताता हूँ कि कैसे बने हैं। तो गाइज, हमारे डंबल्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं, वी हैव सक्सेसफुली टर्न देम इनटू गोल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अभी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इवन इंस्टाग्राम पे मैं जो छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ व्हाइल आई वर्कआउट, तो उनमें भी बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार मैं आपको पेंट भी अच्छे से दिखा देता हूँ, तो इट इज़ बाय बॉस्नी केटी, गोल्ड इफेक्ट लिखा है इधर, एंड द कोड ऑफ द पेंट इज 181 गोल्ड। तो अगर मुझे ये सेम स्प्रे पेंट मिला तो इसकी लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से अगर आप खरीदोगे तो चैनल को थोड़ा सा फायदा होगा। डंबल्स पेंट होके आ गया, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो अभी थोड़ा से वर्कआउट भी करके देखते हैं कि कैसा फील आता है नए डंबल्स के साथ। और गाइस, हर एक बंदे को मुझे ऐसे लगता है, या बंदी को भी लड़की को भी, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, आपका पेट जो है वो अंदर ही रहता है और आपके शोल्डर्स बड़े हो जाते हैं, अगर आपके बाइसेप्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club. तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। इस वीडियो में डीप लाइव बना था राजा मिडास और सारी चीजें बना रहा था गोल्ड। हमारी गोल्ड एक्सपेरिमेंट हो गई है सक्सेसफुल। अभी हम कोई भी चीज को गोल्ड बना सकते हैं, गोल्ड नहीं बना सकते बस गोल्डन कलर का तो बना सकते हैं। तो जाके आप अपने DIY ट्राई कीजिए, अपनी चीजों पे ट्राई कीजिए, पता नहीं आप कौन सी सारी चीजों पे करोगे। मैंने फोन केसेस पे की, तो मेटल पे, प्लास्टिक पे, और पता नहीं कौन कौन सी चीजों पे ये DIY काम कर सकता है। तो जाके जरा ट्राई कीजिए और मुझे DM कीजिए Instagram पे कि मैंने ये DIY आपके वीडियो देख के बनाया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और मैं शायद आपकी स्टोरी शेयर भी कर दूं अगर आपने कुछ रियली अच्छा बनाया हो तो। अगर आप डीप लाइफ को पहली बार देख रहे थे तो जाके मेरा चैनल देखिए। आई मेक आर्ट रिलेटेड कंटेंट, आई मेक DIY रिलेटेड कंटेंट लाइक दिस, एंड आई मेक व्लॉग्स। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा टारगेट दे देता हूँ इस वीडियो को, 7000 likes। 7000 likes आ गए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जाके सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए और हम लोग की फैमिली को, द डीप लाइफ फैमिली को इतना बड़ा कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोग के पूरे हो जाने दीजिए। तो दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए मेरे। सो वेल गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वाओ।